आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में अपना पहला औपचारिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना, डिजिटल शिक्षा सहित कई अहम मुद्दों को लेकर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान की सराहना की। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीनेशन को लेकर भी भारत की उपलब्धि की सराहना की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबका प्रयास और सबका कर्तव्य पर जोर दिया। तो आज का दिन ऐतिहासिक और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह पूरा समूचा देश बना। शपथ से पहले देखिए राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के साथ उस पूरे शानदार गौरवान्वित कर देने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और मयूर भंज टू रायसेना हिल्स का जो सफर है, सड़क से लेकर शिखर तक का जो सफर है, वो बेहद खास इस लिहाज से क्योंकि आज उनका जो संबोधन रहा राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करने के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा मार्मिक रहा, इमोशनल रहा। इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया कि जिस क्षेत्र से, जिस अंचल से वो आती हैं, उस क्षेत्र में शिक्षा का ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में स्कूल में उनके लीडरशिप के काफ़ी चर्चे थे। मॉनिटर स्कूल में थी, जिसके बाद एक शिक्षिका, तो स्कूल के मॉनिटर से देश की मॉनिटर महामहिम बनने तक का जो सफ़र था, ये आसान नहीं रहा, लेकिन ये सफ़र शानदार ज़रूर रहा है। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ की, और शपथ जिस समय हुई, सीजेआई एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई अपने पद की। अखंडता, देश की अखंडता को सुनिश्चित करने की बात उन्होंने इस शपथ में कही। अभिवादन उसके बाद में सभी का स्वीकार किया। और संसद भवन में देखिए, केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में किस तरह से सभी ने उनका स्वागत किया। विजय चौक पर काफिला जब पहुंचा था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से विजय चौक पर जब काफिला निकला और संसद भवन के लिए रुख किया, गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया, केस तोपों की सलामी के साथ में स्वागत। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, जिस तरह से मैंने अभी आपको जानकारी दी, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आगाज आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बापू को नमन कर की गई। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। देवियों और सुजन, मैंने अपने जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। पर यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें।